ऑलराइट गाइस, हमने लगभग 20 से ज्यादा ही वेबसाइट का रिव्यू कर रखा है, जिसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ एवरेज सा था, बट आज जो हम दिखाने वाले हैं आपको, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैं बात कर रहा हूं यहां पे, बहुत समझ गए होंगे, बहुत नहीं भी समझे होंगे, मैं बात कर रहा हूं ब्लिंकिट के बारे में। देखो, ये एक ऐसा शॉपिंग वेबसाइट है जहां पे चंद मिनट में आपके पास सामान होता है, जिसे ऑर्डर करोगे आपके पास आ जाएगा। हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, कैसा यहाँ से प्रोडक्ट आता है। इवन यहाँ पे मैं गैजेट भी ऑर्डर करूँगा और कुछ सामान भी ऑर्डर करूँगा खाने पीने का, तो चलो काफ़ी मजा आएगा। और ये सारा कार्यक्रम आपके सामने किया जाएगा, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कि भाई बाद में दिखाया जाएगा, अब भी ऑर्डर करेंगे एंड कुछ मिनट वेट करके। अब देखो, यहाँ से ऑर्डर करना बड़ा सिंपल है, आपको कोई वेबसाइट पे जाकर शॉपिंग नहीं करना है, जस्ट ऐप डाउनलोड करना है एंड फिर जो ऑर्डर करना चाहो ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, ये वाला जो ऐप है ये सभी जगह काम नहीं करता है, कुछ सिलेक्टेड एरिया है वहीं पे काम करता है, ये बात का ध्यान रखना। तो चलो, कुछ इस तरह का लेआउट आपको दिखेगा एंड यहाँ पे देख सकते हो मस्त नवरात्रि वाला डांडिया टकराया जा रहा है। ऐसे आप भी चाहते हो टकराना, इस रेड कलर के बटन से टकरा सकते हो, जस्ट सब्सक्राइब। अब देखो, मैं बहुत पहले से इससे ऑर्डर करता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कभी दूध, कभी दही, कभी पनीर, कभी ब्रेड, कभी बटर, कभी वेजिटेबल, मतलब भाई भूख लगती है तो खाना तो ऑर्डर करना पड़ता है। देखो, अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा कैटेगरी है जहाँ पे आटा, राइस, दाल सब मिलते हैं। हाँ भाई, जो चाहिए ग्रोसरी का आइटम यहाँ मिलेगा आपको। तो मुझे तो जाना है थोड़ा नीचे एंड सिलेक्ट करना है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर वाला सेक्शन। यहाँ पे आते ही आपको दिखाई देगा होम अप्लायंस है, ऑडियो एक्सेसरीज है, स्मार्ट वॉच, डेकोरेटिव लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब ढेर सारा आइटम अवेलेबल है यहाँ पे। तो चलो कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले चलो होम अप्लायंस में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे, कुछ अच्छा चीज़ें, इलेक्ट्रिक वेजिटेबल स्लाइसर एंड ग्रेटर। ओके, ये इलेक्ट्रिक वाला है जिसमें प्याज वगैरह, लहसुन, मिर्ची ये सब काट सकते हैं। चलो इसे काट में लगा लेते हैं। अब चलो ऑडियो एक्सेसरीज में आते हैं, ऑडियो एक्सेसरीज में देखते हैं क्या क्या देखने मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे TWS, नेक बैंड, ईयरफोन ये सभी है, तो चलो देखते हैं कुछ अच्छा सा यहाँ पे दिखाई देता है तो इसे ऑर्डर करते हैं। ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, NU Republic, जिसका ईयरफोन है जिसमें ड्यूअल ड्राइवर यानी चार ड्राइवर एक ईयरफोन में। चलो इसे कार्ट में लगा लेते हैं। इसके बाद एक नेक बैंड है जो ऑलरेडी मैंने एक कार्ट में लगा कर रखा है, तो इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे स्पीकर वगैरह भी है जिसमें 1000, 1500, 1000 के बहुत सारे स्पीकर आ रहे हैं एंड देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सा स्पीकर है। तो यहाँ पे JBL Go 3 वगैरह भी है, Amazon Echo, इसके अलावा भी बहुत सारे। तो चलो यहाँ पे एम्ब्रेन का एक स्पीकर है, इसे हम कार्ट में लगा लेते हैं। अब भाई स्मार्ट वॉच वाले सेक्शन है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा वॉच देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एम्ब्रेन का वॉच है, बोट का वॉच है, यानी बहुत सारे वॉच देखने को मिल रहे हैं। वॉच काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, उसे छोड़ते हैं और भी कुछ कुछ देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे केबल वगैरह भी है एंड इसके अलावा यहाँ पावर बैंक वगैरह भी आप देख सकते हो मिल रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के पावर बैंक हैं। इसके बाद डेकोरेटिव लाइट्स, भाई ऑफ कोर्स नवरात्रि एंड दिवाली वगैरह स्टार्ट होने वाला है तो कुछ तो लाइट वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो चलो इसमें से भी एक दो लगा लेते हैं। ये 159 का एक दिखा रहा है मुझे, देसी दिया लिखा हुआ है, इसे एक लगा लेते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ कुछ है, यस एक ट्री है, देसी दिया ट्री है, ये 799 का है, थोड़ा सा महंगा है भाई, यस चलो कोई बात नहीं, इसे भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा यूआई है वेबसाइट का, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ पे मैंने 9 आइटम सिलेक्ट करके रखे हैं कार्ट में, जैसा देख सकते हो TWS हो गया, एक LED लाइट है, देसी दिया है, इसी तरह से और भी यहाँ पे सारी चीज़ें। अब इसका जो कॉस्ट आ रहा है ये आ रहा है हमारा 3724 रुपया। ओके, कुछ खाने पीने का भी सामग्री तो ऑर्डर करना बनता है। अभी फ्रिज में मेरे पास मिल्क नहीं है तो एक मिल्क, थोड़ा सा कुछ पीने का भी मन कर रहा है तो मैं यहाँ बटर मिल्क लगा रहा हूँ, 2 बटर मिल्क जो 9 रुपये 15 रुपये गए हैं बस। हाँ ऑफकोर्स मार्केट में भी इसी रेट में मिलता है। इसके बाद चटपटा चिप्स, यस 2 चिप्स। तो टोटल यहाँ 14 आइटम्स हो चुके हैं एंड चलो अब देखते प्राइस क्या आ रहा है, 3821 रुपया और यहाँ फ्री डिलीवरी इन 14 मिनट्स यानी 14 मिनट में ये सारा सामग्री मेरे पास होगा। तो चलो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का बटन प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर कंफर्म हो गया है और अराइविंग इन 15 मिनट्स। ओके, तो टाइम स्टार्ट नाउ। अब 8 मिनट बचा हुआ है और हमने जो ऑर्डर किया था ये पैक होना शुरू हो गया है, देखते हैं ये आ पाता है या नहीं, आपको क्या लगता है। पता है पिछले 5 मिनट से अराइविंग इन 8 मिनट से लिखा आ रहा था एंड जस्ट अभी पता है क्या अपडेट आया, ऑर्डर स्लाइटली डिले अराइविंग इन 8 मिनट्स। ठीक है भाई, डिले है फिर से 8 मिनट,
आज तो लग रहा है पक्का डिले होगा। फाइनली बहुत देर के बाद यहाँ पे एक्सेस आ चुका है, एंट्री करने वाला है ब्लिंकिट वाले भैया। यस भाई, एंट्री का एक्सेस दिए हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब लग रहा है फाइनली हमारे पास जल्दी आ जाएगा। यस, लग रहा है वही है। एक बार सर ऑर्डर सारा चेक कर लीजिए यहीं पर। अच्छा, ऑर्डर यहीं पे चेक कर लो। हाँ, अपना सारा आइटम देख लीजिए। इतना डिले क्यों हो गया ये सर? आपका 3-4 कस्टमर बंदों ने लिया नहीं आपका ऑर्डर, मैंने लिया ये। अच्छा, इसलिए डिले हुआ है। हाँ। अच्छा, तो भाई इसी बैग में हमारा गैजेट भी आ गया और हमारे खाने पीने का चीज भी आ गया, तो चलो इसे टेबल पे सजाते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये रहा हमारा सारा गैजेट एंड खाने पीने का सामग्री झोला में, यानी कि एक पेपर बैग में। चलो तो ये सारा सामग्री खाने पीने का, इसे हम साइड में रख देते हैं एंड फोकस करते हैं जो गैजेट हमने ऑर्डर किया है वो कैसा है। तो ये है वो सभी गैजेट, एक एक करके अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है, नया है, पुराना है, कैसा है, सब चीज बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना इस स्पीकर से। डब्बा तो ऐसे देखोगे तो ये पुराना सा लग रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अभी अंदर का सामान देखते हैं भाई, ये नया है या पुराना है। तो एक माइक्रो यूएसबी केबल है, इसके बाद कुछ पुस्तकें हैं, सभी को साइड में करते हैं। एंड यस, ये पूरा का पूरा नया है एंड नीचे भी काफी अच्छे तरीके से प्लास्टिक चिपकाया गया है, सभी को हटा देते हैं। वाओ, कुछ साउंड सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि अंदर का स्पीकर सही से फिक्स नहीं किया गया है। ऐसे ओवरऑल यहाँ पे कंडीशन आप देखो तो पूरा का पूरा नया लग रहा है, कहीं से कुछ पुराना नहीं है। तो इसे ऑन करते हैं एंड गाना सुनना शुरू करते हैं। ब्लूटूथ मोड। ओके, देखो इंडिया पागल कर चुका तो सबसे पहले यहाँ पे साउंड का बात करूँ तो देखो साउंड इतना भी मुझे तगड़ा नहीं लग रहा है। इससे अच्छा तो जो छोटे वाले स्पीकर आते हैं ना 3 वाट का, उसका ज़्यादा अच्छा साउंड होता है। इसमें 5 वाट का स्पीकर लगा हुआ है जो कि 40 mm ड्राइवर के साथ आता है, लेकिन साउंड इतना भी अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। ऐसे भी स्पीकर यहाँ पे फिक्स नहीं अच्छे तरीके से, तो मुझे लग रहा है इस वजह से इसका आउटपुट इतना अच्छे तरीके से निकल कर नहीं आ पा रहा है। ऐसे यहाँ बटन वगैरह सभी प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस हो गया। इसके अलावा पोर्ट्स में यहाँ पे SD कार्ड लगाकर आप इसमें गाना बजा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट ब्लूटूथ ऑन करके आप गाना आराम से इसमें सुन सकते हो। बाकी बात यहाँ पे जो बैटरी है अप टू 12 आवर्स का लिखा हुआ है, बट इतना चलेगा नहीं, थोड़ा कम ही चलेगा। कंडीशन तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा मज़ा नहीं आया स्पीकर में। नेक्स्ट हमारा एक TWS, जो यहाँ पे आपको प्राइस आ गया होगा ये कितने का है। एंड चलो देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। तो देखो डब्बा वगैरह तो इसका नया है, कोई दिक्कत नहीं है। वाओ, तो काफ़ी छोटा सा यहाँ पे TWS है, बहुत कॉम्पैक्ट सा साइज है। अभी देखते हैं और इसमें क्या क्या है। यहाँ पे एक USB चार्जिंग केबल है जो कि Type-C है, दिस इज़ गुड थिंग। एंड इसके बाद कुछ पुस्तकें हैं, वारंटी वगैरह आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो। सभी को साइड में करते हैं एंड देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है अंदर से। हिंज का क्वालिटी तो बहुत ही बकवास है, जैसे यहाँ पे ये हिल भी रहा है, अच्छे तरीके से लग रहा है, फिट भी नहीं है। एंड बड्स बहुत ही छोटा है, लुक एट द साइज, ओ माय गॉड। एंड बड्स का क्वालिटी मच बेटर है एज कम्पेयर टू केस के क्वालिटी से। यहाँ फिट वगैरह भी ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट नहीं हुआ है, हाफ ईयर डिजाइन है तो ऐसा ही फिट होता है, थोड़ा सा एप्पल से इंस्पायर है ऑफकोर्स ये। अब चलो इसमें गाना बजाते हैं एंड देखते हैं इसका साउंड आउटपुट कितना अच्छा है। तो फाइनली यहाँ पे जो इसका साउंड आउटपुट है इतना ही बकवास नहीं है, अच्छा साउंड करता है अंडर 1000 में, मुझे साउंड बेकार नहीं लगा है। ऐसे 13 mm का ड्राइवर है तो थोड़ा ड्राइवर साइज भी बड़ा है तो साउंड अच्छा निकाल लेता है। अब हाफ ईयर डिजाइन है तो उस तरह से बेस आपको फील नहीं होगा, लेकिन साउंड अच्छा करता है। यहाँ पे टोटल प्ले टाइम अगर केस के साथ आप देखो तो 30 आवर्स का आपको देखने को मिल जाएगा, ये अप टू है यानी थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो बड्स का है ये आपको 5 घंटे तक का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी वगैरह भी ठीक है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा एवरेज है लेकिन साउंड अच्छा करता है। अब चलो एक बार इसका माइक क्वालिटी भी देख लेते हैं कि कितना अच्छे तरीके से बात हो पाता है अगर कॉल पे जब आप जाते हो तो। जब अभी मैं स्टूडियो में हूँ एंड यहाँ पे जो आपको आवाज सुनाई दे रहा है ये इसी के माइक से हो रहा है एंड यहाँ पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसका क्वालिटी कैसा है। अगला है भाई साहब हमारे पास डेकोरेटिव वाले चीज। दिवाली नवरात्रि है ना, तो कुछ तो बनता है सजाने के लिए। ओ
मैं एक्सपेक्ट किया था काफी छोटा सा होगा लेकिन काफी बड़ा सा दिख रहा है। तो ये जो हमारा डेकोरेटिव लाइट है इसे आप दो तरह से ऑपरेट कर सकते हो, या तो डबल एसएल 3 लगाकर इसे ऑपरेट करो या नहीं तो चार्जर के अडेप्टर या पावर बैंक में लगाकर एंड टच करते ही ये ऑन हो जाता है एंड कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसे थोड़ा सा फैलाना होगा, ये ट्री है ऑफ कोर्स, तो इसे आपको बनाना होगा थोड़ा अच्छे तरीके से। बेसिकली इसमें क्या किया है, तार लगा दिया गया एंड तार में इस लाइट को बढ़िया से रोल किया हुआ है एंड इसे आप जैसे फैला कर रखोगे ये उतना अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आप इसे सजा सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसे आप चाहो तो कुछ इस तरह सेल्फ वगैरह पे रख सकते हो एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है एंड अच्छा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे तो इससे पैसा वसूल हो गया, पुराना भी नहीं है एंड काम भी कर रहा है। देखो मैंने भी वो लाइट वहाँ पे लगा दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो अगले डब्बा पे आते हैं। ये हमारे पास वायरलेस इलेक्ट्रिक चॉपर, काफ़ी काम का चीज़ हो सकता है ये। इसे चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है जिससे हम इसे ऑफ कोर्स चार्ज करेंगे एंड यहाँ पे एक जार है और ये ब्लेड रहा। तो चलो अब इसे ऑन करते हैं। लग रहा है इसका बैटरी डाउन हो गया, इसे चार्ज में लाकर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं तब तक ये चार्ज हो जाएगा। अगला है हमारे पास ये एक मोबाइल स्टैंड जो यूजुअली आपको 99 में फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखने को मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ आता है, पूरा का पूरा मेटल है। तो इसे जस्ट आपको अपने डेस्क पे रखना है एंड इस पे अपना फ़ोन लैपटॉप ओके आई मीन टैब वगैरह रख के आराम से आप यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है एंड इसका रबर पैड वगैरह भी यूज किया गया ताकि स्लाइड होकर आपका फ़ोन वगैरह गिरे नहीं, अच्छा चीज़ है। इसे आप चाहो तो यूज कर सकते हो और यहाँ पे कुछ भी पुराना नहीं है, पूरा का पूरा नया ही है गाइस। ओके आते हैं अगले गैजेट पे। अगला हमारे पास ड्यूअल ड्राइवर वाला एक ईयरफोन, वायर का क्वालिटी ऐसा आपको दिखेगा कि ये ब्रेडेड केबल है बट ये पूरा रबर का है नॉर्मल सा जो होता है एंड ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं है, पुराना तो नहीं लग रहा है लेकिन क्वालिटी काफ़ी एवरेज सा दिख रहा है मुझे। चलो इसे कान में लगाते हैं डायरेक्ट और गाना सुनना शुरू करते हैं। बहुत ही बकवास साउंड है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, ड्यूअल ड्राइवर के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है इससे रेलवे स्टेशन के साइड में जो ईयरफोन बिकते हैं वो ऐसा साउंड कर रहा है एंड यहाँ पे आप चाहो तो वॉल्यूम को स्लाइड करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, कॉल रिसीव और रिजेक्ट कर सकते हो और एक माइक्रोफोन दिया गया है तो बात कर सकते हो और कुछ है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एक नेक बैंड, चलो देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। ऐसे सभी का पैकिंग वगैरह अच्छे तरीके से किया गया है, ऐसा नहीं है कि मतलब पुराना है। हाँ स्टार्टिंग वाले का जो था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था उसका डब्बा पुराना है, बाकी बात अभी जितना भी ओपन कर रहा हूँ ये सब नया लग रहा है। ऐसे कहीं आपके माइंड में कोई ऐसे वेबसाइट है जिसके ऊपर आप वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये एक अलग बॉक्स है जिसमें माइक्रो यूएसबी केबल रखा गया, इसे आप इसे चार्ज करोगे एंड ये नेकबैंड रहा। सबसे पहले क्वालिटी बताऊँ तो बहुत ही चीप है, ये 200-250 का जो नेकबैंड आता है ना वो वैसा क्वालिटी का लग रहा है, ये 450 रुपये का नेकबैंड है। चलो ऑन करते हैं, गाना सुनते हैं इसका साउंड कैसा है, बजता भी है नहीं बजता है वो भी पता चल जाएगा। ओहो क्या हुई, कान सुन कर दिया मेरा पावर ऑन करते ही। साउंड में एक चीज़ है, लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है तो आपको इरिटेट कर सकता है एंड यहाँ पे 10 mm का ड्राइवर लगा हुआ है तो साउंड आउटपुट ऐसा समझ लो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, एवरेज सा है अंडर 500 के हिसाब से। इसका बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही बकवास है। ऐसे यहाँ प्ले टाइम जो ये अप टू 20 आवर्स का है, थोड़ा सा कम चलेगा ऑफ कोर्स एंड ओवरऑल मैं बताऊँ तो क्वालिटी बहुत ही बकवास है। आगे बढ़ते हैं। यस अब ये हमारे पास काफ़ी अच्छा सा सुनहरा सा चमकीला सा पदार्थ, आई मीन गैजेट। ओके ये इस प्रकार का है, इसे तो मैं अपना छोटा सा जो मंदिर हमने बनाया है उसे सजाऊंगा मैं। इसमें बटन बैटरी जो होता है ये लगा हुआ है और ये लाइट कुछ इस तरह से जलता है और काफ़ी अच्छा लगता है, बट यही बात है ये जब तक इसका बैटरी चल रहा है तब तक आप इसे यूज़ करोगे, बैटरी डेड हो गया इसे आप यूज़ नहीं कर सकते, आप बैटरी खरीदने जाओगे उससे अच्छा आप नया खरीद लो। ऐसे ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जैसा आप देख सकते हो टेम्पल के पास काफ़ी सुंदर सा लग रहा है हमारा मंदिर। अब देखो इस नाइट लाइट को मंगवाने का सिंपल सा पर्पज़ था, जो अवध भाई हमारे हैं उनको नींद नहीं आती है बिना लाइट जलाए, अब उनके रूम में बड़ा सा बल्ब लगा है तो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए मंगवा देता हूँ। काफ़ी टिप्पू सा लाइट है जैसा देख सकते हो, जस्ट प्लग में लगाना है एंड काफ़ी हल्का सा लाइट जलेगा और ये सो सकते हैं फिर। अब देखो ये पावर भी काफ़ी कम लेता है 0.5 वाट, तो टेंशन नहीं है मुझे भी, ऐसे भी बड़ा लाइट जला कर बिजली बिल बढ़वा रहा था तो सही है।
क्या कर रहा है, उल्टा लगा रहा है। यही सीधा होता है। क्या बात कर रहा है? यस एक मिनट। अच्छा रिकॉर्डिंग आगे बताना है। ओके कंक्लूजन। यस ओके क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अरे सॉरी गाइस, ये चार्ज में लगाना मैं भूल गया था, फिर से इसे चार्ज में लगाना होगा। तब तक मैं खाता हूँ, तब तक चार्ज हो जाएगा। ओके क्या खा रहा है? वीडियो बनाना है अभी। हाँ ठीक है बनाना। लाजवाब। दोनों मिलके खाएंगे ना? मेरा है ये लो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। क्या बात कर रहा है? हाँ तो बात ऐसी है, चिप्स खाते खाते रात हो गई और फिर कल होकर ये वीडियो शूट हो रहा है, यानी कि आज एक दिन बाद। ऐसे अच्छा भी हुआ क्योंकि ये जो ब्लेंडर है इसका टेस्टिंग अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है। अभी ये जो ब्लेंडर है ये सच में काफ़ी अच्छा काम करता है। ये डायरेक्ट अगर आप ऐसे ओपन करके चलाओगे ना तो ऐसे चलता भी नहीं है। इसका रीजन ये है कि हाथ वात कट ना जाए, ब्लेड काफी तेज है। ऐसे अवध का भी हाथ कट गया, नादान बालक है, क्या कर सकते हैं। जैसे आप बढ़िया से इसमें सेट कर देते हो तो ऊपर की तरफ जो पावर बटन है यहाँ पे ब्लू लाइट इंडिकेट होने लगता है, तो यानी ये अच्छे तरीके से सेट हो गया और फिर आप इसे ऑन कर सकते हो। अब इसके अंदर जो पावर ये 30 वाट का है, तो देखो जैसे आप इसे प्रेस करके रखोगे ये धीरे 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 स्पीड इसका बढ़ते चला जाता है और एक कांस्टेंट स्पीड पर आने के बाद ये रुक जाता है, ताकि ज़्यादा स्पीड ना नचे और ज़्यादा स्लो भी ना नचे, ताकि चॉप अच्छे तरीके से हो पाए। समझे? यहाँ पर देख भी सकते हो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जिंजर गार्लिक अनियन एंड कोरिएंडर को बढ़िया से चॉप कर लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से ये मेरे खाने का काम भी आ गया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। अब बात यहाँ पे आती है बैटरी कितना चलता है। तो देखो इसे मैं लगभग आधे घंटे चार्ज किया हूँ, तब से ये चल ही रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे एक बार चार्ज कर दो तो मतलब काम चल जाएगा आपका। यस अब देखो कल चिप्स खाने के बाद ऐसा नहीं कि मैं सो गया था, थोड़ा सा मैं सोचा सपोर्ट टीम वगैरह भी देख लेते कैसा है। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैटिंग किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो मुझे पसंद नहीं था, जैसे TWS का हिंज अच्छा नहीं लगा था, नेक बैंड का क्वालिटी थोड़ा सा पुअर लग रहा था, इसी तरह से जो स्पीकर थे वो अंदर से फिक्स भी अच्छे तरीके से नहीं था। तो मैंने यही सभी कंसर्न लेकर यहाँ पर रिप्लेसमेंट की अर्जी डाली, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से सारा चीज़ का रिप्लाई आया हुआ है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जितने प्रोडक्ट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम हमारे एंड से रिप्लेसमेंट या रिफंड नहीं होंगे, आपको यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट से बात करना पड़ेगा जो इसके ऑथराइज कंपनी है, जैसे NU हो गया, एम्ब्रेन हो गया, इसे डायरेक्ट आपको मेल करना होगा या कॉल करना होगा, फिर जाकर आप ये सारी चीज़ कर पाओगे। ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ब्लिंकिट से ऑर्डर करना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। आप ट्राई करो, मार्केट से जाकर बाय करो या अमेजोन फ्लिपकार्ट है वहाँ पर भी देख सकते हो, अच्छा है। बस ब्लिंकिट से इतना उम्मीद रखो कि ग्रोसरी का आइटम जल्दी आ जाता है, खाने पीने का सामान मंगवा सकते हो, एंजॉय करो बस इतना ही। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मत घुसो, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट नहीं लगा मुझे। ओके आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय।